ये आपको बता देना चाहते हैं, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रेश हुआ था भारत के सर्वोच्च सबसे बड़े पद पर, जो सेना का सबसे बड़ा पद होता है, उस पर जो है बिपिन रावत जी अपना जो है देशभक्ति कर रहे थे, आपको बता देना चाहते हैं। भारत माता के सपूत को खो दिया है, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं हेलीकॉप्टर क्रेश का वीडियो, जी हाँ लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे आखिर क्या ऐसी वजह रही, किस तरीके से लैंडिंग से 7 मिनट पहले जो है दोस्तों हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बड़ी अपडेट आ रही है, आपको पूरी डिटेल जो है बताएंगे, इस वक्त का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लाइव वीडियो दिखाएंगे आपको कि आखिर कैसे जो है बिपिन रावत जी का जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, क्या उसकी वजह रही, क्या उसका कारण रहा। जी हाँ दोस्तों, एक एक चीज आपको पूरा वीडियो दिखाया जाएगा कि आखिर हेलीकॉप्टर को अचानक जो है चलते चलते ऐसा क्या हो गया, क्या उसमें तकनीकी खराबी आई थी, और उसके पीछे जो है हादसे की जाँच भी अब शुरू हो चुकी है। आपको बता देना चाहते हैं लैंडिंग से 7 मिनट पहले ही दोस्तों क्रैश हो गया। बड़ी अपडेट आ रही है, CDS के आखिरी सफर का डिटेल, 12:15 पर लैंड करना था, 7 मिनट पहले संपर्क टूट गया, अब सिर्फ श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रेश की जानकारी गुरुवार को संसद में दी। वह महज 4 मिनट बोले, इसके बाद संसद ने जनरल रावत समेत सभी सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह संसद में, जी हाँ राजनाथ सिंह जी ने जो है अपना बयान वहां पर संसद में बोले हैं। आपको बता देना चाहते हैं एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी। इसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर अपना कॉन्टैक्ट खो दिया। बाद में कुंदूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपेटों से गिरा देता। प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रेश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस जगह से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन्हें यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में से 13 की मृत्यु हो गई थी। जिन लोगों की दुर्भाग्यवश मौत हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत भी उनके साथ थी। आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है, और क्या वजह रही हेलीकॉप्टर क्रैश होने का, क्या कारण रहा, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आने वाली है। पूरा वीडियो आपको दिखाया जाएगा, आपको बता देना चाहते हैं। ये जो है दोस्तों बड़ी अपडेट निकलकर आ रही है, और आपको वह भी बता दें कि क्रेज से ठीक पहले CDS बिपिन रावत का चोपर धुंध में बहुत नीचे उड़ रहा था, ट्विस्ट ने रिकॉर्ड किया, ब्लैक बॉक्स भी मिला। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आई है, क्रेज से पहले 3 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ है और काफी नीचे जो है ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा था धुंध की वजह से, जिसे एक जो है एक व्यक्ति ने अपने टूरिस्ट था उसने अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे का एक नया वीडियो गुरुवार को सामने आया, जिसे क्रेज से ठीक पहले बताया जा रहा है। इसे नीलगिरी के जंगलों में एक टूरिस्ट ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया। इसमें दिख रहा है कि चोपर धुंध के बीच बहुत नीचे उड़ रहा है। वीडियो कुछ सेकंड का है, ऐसा कहा जा रहा है कि इसके कुछ ही सेकंड के बाद ही चोपर पेड़ों से टकराया। इस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना के बारे में बहुत ही ज्यादा जो है दुख जताया है, श्रद्धांजलि दी है, और आपको बता देना चाहते हैं कि जो MI-17 जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर होता है, ये बहुत ही जबरदस्त हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसमें बम, रॉकेट और गन पॉइंट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं इसमें रहती हैं। और वहीं आपको बता दें, हेलीकॉप्टर तेजी से पेड़ों पर गिरा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कुछ चश्मदीद भी सामने आए थे, इनके मुताबिक हेलीकॉप्टर तेजी से पेड़ों पर गिरा, इसके बाद उसमें आग लग गई। एक और चश्मदीद का कहना था कि उसने जलते हुए लोगों को गिरते देखा, यानी कि कुछ हो सकता है कि कुछ व्यक्ति ऊपर क्रेश हुआ था तो उन जो है उसमें कूदे भी होंगे, ये भी जो है माना जा रहा है। तेज आवाज सुनाई दी। घटना के एक चश्मदीद कृष्णा स्वामी ने बताया कि मैं अपने घर में था तभी एक तेज आवाज सुनाई दी, बाहर आकर देखा तो हेलीकॉप्टर क्रेश हुआ था, ये एक के बाद एक दो पेड़ों से टकराया, इसके बाद उसमें आग लग गई। मैंने 2 या 3 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकलते भी देखा था, इनके शरीर में आग लगी हुई थी। मैंने उस इलाके में रहने वाले लोगों को बुलाया और मदद की कोशिश की, इसके बाद फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज को सूचना दी गई। जी हाँ दोस्तों, तो खबर को अधिक से अधिक शेयर। बुधवार दोपहर करीब 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रेश हो गया था। उसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पहले खबर आई थी कि हादसे में घायल हुए कुछ लोग को गंभीर हालत में मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां से करीब 5.5 घंटे तक खबर आती रही कि जनरल रावत और उसकी पत्नी समेत कुछ अफसर बुरी तरह से घायल हुए, लेकिन फिर बारी बारी से मौत की खबर आती रही।
शाम तक ये खबर आई थी कि हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा है जो कि पुरुष है। इसके बाद के याद लगाए जा रहे कि जनरल रावत जी ही जिंदा है, लेकिन देर शाम एक बुरी खबर आ गई जिसमें सामने निकल कर आया था कि जनरल रावत भी नहीं रहे। आखिरकार मधुलिका उनकी पत्नी और जनरल रावत जो है हमारे बीच नहीं रहे। इसको देखते हुए सरकार ने बड़ी जांच का आदेश दिया। मोदी जी बोले, रावत सच्चे देशभक्त है और उनके जाने का गहरा दुख है। सीडीएस रावत के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जाहिर किया। मोदी जी ने ट्वीट कहा, और जनरल रावत बेमिसाल सैनिक थे और सच्चे देशभक्त थे, और उन्होंने हमारी सेनाओं की एजुकेशन के लिए काफी हद तक मदद की, सेनाओं को काफी हद तक ताकत दिया। उनके जाने से मुझे गहरा दुख हुआ। पूरे देश में इस वक्त जो है आपको बता दें शोक की लहर छा चुकी है। मोदी सरकार ने उनकी जांच का आदेश दिया कि आखिरकार जो भी हुआ वो किस वजह से हुआ। दूसरी ओर दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, हादसे में बचने वाले एकमात्र शख्स जो है कैप्टन वरुण सिंह है। हेलीकॉप्टर केस में अकेले बचने वाले शख्स जो है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है। उनकी बॉडी इस हादसे में बुरी तरह से झुलस गई है। आपको बता दें मिलिट्री अस्पताल में भर्ती है, लगातार जो है उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस वक्त जो है हादसा हुआ उसको देखते हुए बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं हादसे का शिकार हुए MI-17 हेलीकॉप्टर ने जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी के अलावा 12 लोग जो है इस चोपर में सवार थे। आपको बता देना चाहते हैं अचानक से जिस तरह से इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से कम विजिबिलिटी के कारण हेलीकॉप्टर नीचे जा गिरा, कुनूर के जंगलों में जा गिरा, जहां पर जैसे ही नीचे गिरता है और पूरी तरह से आग की लपटों में गिर जाता है। वहां पर स्थानीय प्रशासन बहुत सारे बचाने भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बचाया जा सका किसी भी। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त जो है देश में सबसे बड़ा हादसा सामने निकल कर आ रहा है, और बहुत ही जल्द जो है मोदी सरकार इसको लेकर बड़ा बयान सामने दे सकती है। जांच का आदेश सरकार ने जारी कर दिया गया। आखिरकार इतना बड़ा हेलीकॉप्टर, इतना टेक्निकल हेलीकॉप्टर क्रेश कैसे हो सकता है, इसको देखते हुए बड़ी जांच जो सरकार कराएगी और बहुत ही जल्द इसके बारे में भी खुलासा हो पाएगा। इसी के साथ दोस्तों ताजा अपडेट के लिए आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, भयानक जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ हवा से राफेल जो है पीओके के अंदर घुस के तमाम पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी तोपें गोले बरसा रही है और पीओके के अंदर तक घुस चुकी है और भयानक जंग शुरू हो चुकी है। बताया माना यह जा रहा है कि कुछ ही समय बाद जो है एक और जो है ऐलान हो सकता है। दोस्तों किसी भी वक्त जो है जो राफेल जो इस वक्त गश्त पर है वो भी किसी भी वक्त पाकिस्तान में घुस करके ताबड़तोड़ अटैक कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान काफी समय से बिलबिला रहा था, लेकिन यहाँ पर भारत माता की रक्षा करने वाले वीर जवानों ने, फौजी भाइयों ने एक झटके में पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया है। अब आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि अब अगर ये जंग दोस्तों जारी हो चुकी है और अगर इस ये जंग ज्यादा देर तक चलती है दोनों देशों की तरफ से, भी यहाँ पर पाकिस्तान का नक्शे से मिटना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं FATF की सूची में पाकिस्तान ग्रह सूची में है, यानी कि पाकिस्तान अभी भी आतंकियों को फंडिंग देता है, आतंकियों को पालता है, आतंकियों को पैसे देता है। पाकिस्तान के पास अपने गरीब जनता को खिलाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के अंदर अशांति फैलाने के लिए आतंकियों को पाल रहा है और आतंकियों को हथियार मुहैया करा रहा है। इसी के चलते दोस्तों एक जो है दोस्तों जबरदस्त तरीके से अमेरिका ने भी झटका दिया था, तमाम पाकिस्तान के साथ डील रद्द कर दी गई है। पाकिस्तान से जो है कोई भी हथियारों की डील नहीं करेगा, अमेरिका कोई भी हथियार नहीं देगा, और अब यहां पर एक तरफ जो है हिंदुस्तान ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। आपको बता देना चाहते हैं किसी भी वक्त जो है बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ सकती है। सेना जो है हाई अलर्ट मोड पर है और पीओके अब हिंदुस्तान का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि सालों से पूरी दुनिया जानती है कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा, और अब वो दिन आ चुका है दोस्तों। इससे पहले भी मोदी सरकार ने कई बार दोस्तों दुश्मनों को घर में घुस करके ढेर किया है। दोस्तों मोदी सरकार आई है तब से दोस्तों हिंदुस्तान काफी आक्रामक रुख अपनाता है, आगे होके किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई गुस्ताखी करे, कोई हिंदुस्तान से छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो उसे छोड़ता भी नहीं है। अब आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, बताया जा रहा है कि 52 पाकिस्तानी चौकियां उड़ा दी है यहाँ पर पीओके के अंदर घुसकर हिंदुस्तान ने, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिससे कि पाकिस्तान पूरी तरीके से बिखर चुका है और पाकिस्तान की सेना जो है जान बचाकर दोस्तों उल्टे मुंह भाग रही है, दोस्तों छिप रही है, और कहीं आतंकी कमांडर जो छिप चुके थे उनको ढूंढ ढूंढ कर राफेल जो है दोस्तों नेस्तनाबूद कर रहा है। इसके अलावा आपको बता देना चाहते हैं वो दिन दूर नहीं जब पीओके पर तिरंगा लहरा दिया जाएगा और एक बार फिर से पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान अपना परचम लहरा देगा। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, पिछले 4 से 5 महीने में लगातार पाकिस्तान आतंकियों को आतंकी घटनाओं में जो है उसका हाथ रहा है, लगातार आतंकियों को पनाह दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है एक जबरदस्त प्रहार हिंदुस्तान की तरफ से किया गया है, बहुत बड़ी कार्यवाही की गई है दोस्तों। जितनी भी पाकिस्तानी आतंकियों की चौकियाँ थी उनको घुसते ही जो है दोस्तों बमबारी करके उड़ा दिया गया है दोस्तों।
एयर स्ट्राइक के लीजिए या सर्जिकल स्ट्राइक के लीजिए, उससे भी भीषण अटैक यहाँ पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर किया है, जबरदस्त प्रहार किया है, जिससे पाकिस्तान एक मिनट के लिए भी समझ नहीं पाया। और अब जो है पाकिस्तान के कहीं आतंकी जमींदोज हो चुके हैं, पूरे जंगलों में दोस्तों सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां जहां आतंकी कैंप दिखाई दे रहे हैं वहां पर हिंदुस्तान लगातार गोले बरसा रहा है, जिससे कि तमाम आतंकियों को जो है नेस्तनाबूद किया जाए, जमींदोज किया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि जहां एक तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन भी अब घबरा चुका है। आपको बता देना चाहते हैं इस अटैक के बाद चीन की भी समझ आ चुकी है, और चीन ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ चुका है कि हिंदुस्तान किसी भी वक्त चीन को भी आड़े हाथों ले सकता है, क्योंकि चीन भी पिछले 2 साल से जानबूझकर पीठ पीछे हमला करने की कोशिश कर रहा है।